नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं महामारी का दर्जा प्राप्त कर चुके कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों को। तो बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक ताकि आपको इस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो चीन के किस शहर से हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वुहान शहर से हुई थी और वुहान शहर में ये फैला और उसके बाद फिर दुनिया के बाकी जगहों पर यह फैलने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो WHO द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो नाम है वो क्या दिया। तो इसका जो नाम है, होने वाली जो बीमारी है कोरोना वायरस से जो होने वाली बीमारी है, उसका नाम दिया गया कोविड 19। अब आगे है कि WHO का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सूक्ष्म दर्शी द्वारा इसे देखने पर इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है। तो इसकी जो संरचना है वो क्रोन की तरह है। इसकी संरचना क्रोन एक विशेष आकृति है, इस कारण से ही इसका नाम जो है वो कोरोना पड़ा है। इसकी संरचना के आधार पर इसका नामकरण किया गया और इसका नाम हो गया कोरोना। लेकिन WHO ने इसका एक आधिकारिक नाम दिया है जिसको 2019 N कौन जो है इसका नाम दिया गया है, जो कि एक आधिकारिक नाम है। और वह ये जो नाम है वह वायरस का नाम है। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो टास्क फोर्स का गठन जो है वो भारत ने किया है, जिसमें कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अन्य बहुत सारे सदस्य हैं इसमें, जो कि इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में और जानते हैं कि भारत में ये कोरोना वायरस का प्रथम मरीज जो है वो किस राज्य से आया था। तो वह जो आया था केरल से आया था। और ये जो WHO के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि WHO क्या है, तो WHO जो है वो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए उपायों को सुझाता है, उसके बारे में एनालिसिस करता है, और यहाँ तक कि पैसे फंडिंग का भी व्यवस्था वो करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक US डॉलर में जो है वो कुल पैसे जो है वो 675 मिलियंस जो है डॉलर्स जो है वो उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।